हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे आप छठ पूजा का स्टेटस वीडियो अपनी फ़ोटो के साथ वाला कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो सिंपली आपको स्टेटस बनाने के लिए कैन मास्टर की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कैन मास्टर नहीं है तो आप सिंपली मेरे चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कैन मास्टर विदाउट वाटर मार्क वाला डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको कैन मास्टर ओपन करना है। कैन मास्टर ओपन करने के बाद इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट करना है 16:9। तो यहाँ से ये रेशियो ले लेंगे और यहाँ से सिंपली आपको मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको एक बैकग्राउंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और यहाँ से फाइल से सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल से, तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड वीडियो मिल जाएगा। तो आपको वो फाइल से सेलेक्ट कर लेना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट में जाने के बाद फिर से लेयर में जाएंगे, फिर मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे आपका अपना फ़ोटो डालना है। ऐसा फ़ोटो डालना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए। PNG फ़ोटो आपको डालना है अपना फ़ोटो। तो अगर आपको PNG फ़ोटो भी नहीं बनाना तो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो सिंपली हम एक फ़ोटो ले लेते हैं बिना बैकग्राउंड रिमूव वाला। तो सिंपली अजय सर का हम फ़ोटो ले रहे हैं, तो ये यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिंपली हम इसको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। आप अपने अंदाज से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे आपको शिफ्ट करके दिखा रहे हैं, तो कुछ ऐसे शिफ्ट कर लेंगे और इसका लेयर यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस फोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको ब्लेंडिंग दिखेगा। ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है, तो स्क्रीन कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और देखिए सिंपली आपको हम प्ले करके दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आपका बन जाएगा। और इसमें आपको बीच में छठ पूजा के बारे में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, हैप्पी छठ पूजा या कुछ भी। तो हम यहाँ पर सिंपली हिंदी में लिख रहे हैं जय। जय छठी मैया। तो यहाँ पे आप सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और इसको देखिए थोड़ा सा इसको हम बढ़ा कर लेंगे और यहाँ से आप डबल ए पे जाके टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट लेना है आप यहाँ से यहाँ पे डबल ए पे जाके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम रोबोटो ब्लैक ले रहे हैं, यहाँ से ओके कर देंगे और इसको थोड़ा ओके कर देंगे यहाँ से। और इसका लेयर जो है सिंपली हम इसको बढ़ा देंगे, पूरा वीडियो के इक्वल कर देंगे। हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेंगे वीडियो के अकॉर्डिंग। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली हम राइट साइड में वाइट जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कलर लेना है। कलर लेने के लिए आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर येल्लो कलर ले रहे हैं, तो यहाँ पर येल्लो लेके यहाँ पे ओके कर देंगे। और सिंपली आपको देखिए राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको शैडो दिखेगा, आउटलाइन दिखेगा, ग्लो दिखेगा। इस पर आप अपना अलग से कलर डाल सकते हैं, ग्लोइंग कलर डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे रेड करके यहाँ से हम कोई भी ग्लोइंग कलर डाल सकते हैं। तो सिंपली हम एक रेड ग्लोइंग कलर डाल रहे हैं, तो सिंपली आप कोई भी अपने अंदाज से डाल सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे रेड कलर डाल के इसका ग्लोइंग बढ़ा लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे और देखिए कुछ ऐसा बन के आएगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा बना सकते हैं अपना फ़ोटो के साथ। और इसमें कुछ हम एडिट करेंगे तो इस पर जय सेठी मैया, इस पर आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से पॉपअप कर देंगे। पॉपअप करने के बाद यहाँ से हम यहाँ से ढाई ढाई सेकेंड या 4.5 मिनट, 4.5 सेकेंड पे रख देंगे, 4.5 सेकेंड में यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। और देखिए प्ले करके आप सिंपली हम दिखा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आएगा। आप फोटो को भी ऐसे कर सकते हैं, तो फोटो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको हम एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन के बाद पॉपअप कर देंगे और यहाँ पर जाने के बाद 4.5 सेकेंड यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, 4.5 सेकेंड पे इसको रख देंगे और ये ओके कर देंगे। और देखिए एक बार प्ले करके फिर से आपको दिखा रहे हैं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और दीप भी है बीच में।
तो कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। और इसमें आपको कोई भी सॉन्ग लगाना है तो सॉन्ग लगाने के लिए वैसे आपको बैकग्राउंड में आपको सॉन्ग इसका मिल जाएगा। अगर अलग से आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं एडियो में जाके, यहाँ से आप अपने फाइल से कोई भी गाना चूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको हम एक लगा के दिखा रहे हैं, तो सिंपली जैसे ये लगाएंगे तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो में गाना सेट हो जाएगा। देखिए ऐसे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसका बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको भी फोटो का PNG बनाना नहीं आता है तो वो भी आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे आप बना सकते हैं और फोटो का भी इरेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड PNG बना सकते हैं। और कैन मास्टर आपके पास नहीं तो कैन मास्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वाटर मार्क वाला। तो सिंपली आप, तो इसको सिंपली आप सेव करने के लिए ऊपर एरो वाला बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और अपना वीडियो सेव कर लेना, एक्सपोर्ट कर लेना, तो आपके डिवाइस में आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो सिंपली आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।